सर, मेरी जर्नी RWA के प्लेटफॉर्म से शुरू हुई थी और मैंने यहाँ से ही सर ने जैसा कि बैच लॉन्च किया था बहुत ही कम फीस में, डेली की डेली जो यहाँ के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सीरीज चलाई गई थी प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैंने डेली अटेंड किया था। ऑनलाइन पढ़ता था 3 से 4 घंटे। बाकी सर मैंने लाइब्रेरी लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, प्रैक्टिस सेट के लिए मैं लाइब्रेरी जाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार में। मेरे साथ हमारे एक साथी हैं जिनका CTET में बहुत अच्छा स्कोर है, तो उनसे एक बार बातें करते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार वर्मा। रंजीत, रंजीत नाम है भाई का, कहाँ से हो आप? संत रविदास नगर भदोही। संत रविदास नगर भदोही। आपका एक बार मैं जानना चाहूँगा CTET में कितना स्कोर है? 122। 122 वास्तव में ही CTET में एक अच्छा स्कोर माना जाता है, तो मैं भाई से इसकी उनकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगा। कैसी रही थी आपकी जर्नी सीखे? सर, मेरी जर्नी RWA के प्लेटफॉर्म से शुरू हुई थी और मैंने यहाँ से ही सर ने जैसा कि बैच लॉन्च किया था बहुत ही कम फीस में, जी मैंने बैच को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया सर। फिर अंकित सर के द्वारा बहुत सारे प्रैक्टिस सीरीज एकदम निःशुल्क चलाए गए जी जो जी कि सभी, मेरे लिए नहीं हालांकि सभी बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुए। जो रोज़ प्रैक्टिस सेट कराए जाते थे, हम लोग डेली की डेली प्रैक्टिस सेट करते थे और मॉक टेस्ट भी देते थे, जैसा कि हर संडे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट कराया जाता है, वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। जी आपने एक बात कही मॉक टेस्ट की, तो हमारे जो मॉक टेस्ट होते थे वो शायद ऑनलाइन होते थे, जी तो सर, इस बार का जो पेपर था वो तो शायद ऑफलाइन था। जी सर, तो आपने मतलब सिर्फ मॉक टेस्ट हमारे लगाए थे या फिर ऑफलाइन भी कुछ प्रैक्टिस की थी? जी सर, हमने ऑफलाइन में जो प्रीवियस ईयर का सेट आता है जिसमें 24-25 सेट थे लगभग 2022 के जी जो दिसंबर उसंबर में एग्ज़ाम हुए थे CTET के, वहाँ के मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट ले लिए थे जो कि मैं रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट टाइमिंग से करता था और डेली की डेली जो यहाँ के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सीरीज चलाई गई थी प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैंने डेली अटेंड किया था। मतलब हमारे जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशंस चले थे उनसे आपने अंडरस्टैंडिंग बना के, जी सर, और प्रीवियस ईयर पेपर घर पे मॉक टेस्ट की तरह एक फिक्स्ड टाइम करके खुद से सेल्फ स्टडी करके अपने प्रीवियस ईयर पेपर मिले थे। तो आप मुझे ये बताना चाहेंगे उससे आपको जो आपने खुद से सेल्फ स्टडी से ऑफलाइन जो मॉक टेस्ट रोज लगाए थे उनसे आपको लगता है आपको कितना फ़ायदा मिला, या फिर आप बाकी सबसे उससे आपको मतलब ज़्यादा बेटर कर पाए, क्या उसमें आपको बेनिफिट मिला? सर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर बैच लॉन्च किया गया था CTET का, जो उसमें थ्योरी कवर कराई गई थी और उन थ्योरी से सभी क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस सेट से लगाया था ऑफलाइन, उन थ्योरी से सभी क्वेश्चन लगभग लगभग कवर हो जा रहे थे। एक दो क्वेश्चन जो नए नए थे वो बाकी सर के प्रैक्टिस सेट में वो भी कवर हो जा रहे थे। जी मतलब कि थ्योरी से मोस्टली क्वेश्चंस कवर अप हो रहे थे, जो बाकी कुछ क्वेश्चंस थे तो वो आपने प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर से वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बना ली थी। तो आपका इसमें आप मेरे को सब्जेक्टिव बता सकते हैं कि मेरा इस सब्जेक्ट में ये स्कोर आता, मतलब CDP में कितना, हिंदी मैथ कुछ ऐसा बताएंगे? जी सर, CDP में मेरा 27-28 स्कोर रहा है और CDP में 27-28, जी सर, ये बहुत अच्छा स्कोर है, जी सत्ताईस सर, अट्ठाईस CDP जी। और सर हिंदी में भी मेरा 26 स्कोर रहा हिंदी में सर, छपे सर के जी, द्वारा पढ़ाया गया था। बहुत बढ़िया, बहुत सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। और सर बाकी रहे मेरे साइंस के सब्जेक्ट, तो साइंस में जो है सर थोड़ा साइंस का पोर्शन रहता है और मैथ का पोर्शन रहता है। जी मैथ में मेरा बहुत ही अच्छा रहा, मैथ में मेरे 26 नंबर रहे हैं और साइंस में मेरे थोड़े से कम नंबर रहे हैं। और जैसा कि सर मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, शुरू से ही मेरा थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर था, इसीलिए इंग्लिश में थोड़ा सा थोड़ी सी गिरावट आई। जी हाँ, एक्चुअल में होता क्या है CTET में इंग्लिश जो आती है वो अंडरस्टैंडिंग बेस मतलब आपके कॉम्प्रीहेंसन वो चीज़ आती है, ग्रामर कम आती है। हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे ग्रामर तो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं पढ़ के, कॉम्प्रीहेंसन में उनको पहले से ये दिक्कत रही है, तो थोड़ा सा वो लाजमी भी था। तो आपका बैकग्राउंड यूपी बोर्ड ही रहा? जी सर, यूपी बोर्ड ही रहा। यूपी। आपकी जो बैकग्राउंड में स्ट्रीम कौन सी रही थी इंटर में? मैथ एंड साइंस। मैथेंस, मैथ और साइंस रहे थे। हाँ वो आपके स्कोर में भी दिखता है, मैथ में भी आपका अच्छा स्कोर है। बाकी आप, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपके वहाँ का माहौल कैसा है, मतलब कि आप अकेले थे या पूरा फ्रेंड सर्कल था, कितने दिन आपने तैयारी की, और तैयारी के साथ साथ आपकी कुछ और भी तैयारी चल रही थी या सिर्फ आप मतलब कि अभी तुरंत ही आप मतलब कितने दिन आपने तैयारी को दिए, सब चीज़ें आप बताएं। सर पहले मैं SSC की तैयारी इसी प्लेटफॉर्म से शुरू किया हूँ क्योंकि उस समय मेरा सर BEd हो रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फिर हालांकि मेरा टीचिंग लाइन में ही जाना मेरा मकसद था और जैसा कि सर के द्वारा जो
प्लेटफॉर्म चलाई गई है टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित, वहाँ से मैंने पहली बार सीटेट का तैयारी किया और जब से बैच लॉन्च किया गया था उसी दिन से मैंने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया। और सर जिस दिन से बैच लॉन्च किया गया उसी दिन से मैंने अपनी तैयारी को स्टार्ट किया और उसके बाद जैसे ही बैच समाप्त हुआ सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट चलाया गया और वही प्रैक्टिस सेट करके मैंने इतना अच्छा स्कोर लाया है सर। मतलब आपकी पहले सीटेट की कोई तैयारी नहीं थी? नहीं, आप पहले मतलब आपका बेसिक्स पहले से अच्छे थे, मतलब जीएस वगैरह और आपका मैथ और बाकी चीज़ें, मतलब आपने एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो ऑब्वियसली वो आपके अच्छे थे। बाकी जब हमारा मतलब फॉर्म आपने फिलअप किए सीटेट के बैच आया तो फिर आपने पूरा उस पर फोकस किया। कितने घंटे आपने सीटेट के लिए पढ़ाई की? सर रोज डेली मैं 3 से 4 घंटे पढ़ता था। जैसे ये सेल्फ स्टडी या फिर ऑनलाइन मिला के सब कुछ? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन पढ़ता था 3 से 4 घंटे। बाकी सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था प्रैक्टिस सेट के लिए, मैं लाइब्रेरी जाता था। जी, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। लाइब्रेरी एक बहुत अच्छी जगह होती है स्टूडेंट के लिए, हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ वो ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपने ओवरऑल मिला के 3-4 घंटे ऑनलाइन और 2-3 घंटे आप सेल्फ स्टडी, जैसे आपने बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप इसमें एक समस्या आती है, जैसे कि पहले पेपर ऑनलाइन हो रहे थे उसके बाद फिर पेपर ऑफलाइन होने लगे, तो उसमें एक स्टूडेंट को ये बहुत समस्या आती है, गोला गलत भर जाते हैं ये वो सही से नहीं भर पाते हैं, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? जी सर, मैंने इसकी पहले से ही रणनीति बनाई थी, क्योंकि सर आपने इसकी अलग से रणनीति बनाई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये रणनीति हमको इसी प्लेटफॉर्म से बताया गया था, क्योंकि यहाँ के सभी अध्यापकों ने हमको बताया था, हमको क्या सभी विद्यार्थियों को बताया था कि आप लोग ओएमआर शीट ले लीजिए और ओएमआर शीट पर डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि इस बार ऑफलाइन एग्जाम है और जो ओएमआर पे सही सही अभी से प्रैक्टिस किया रहेगा और एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएगा। और सर ये हमें जो यहाँ से सलाह मिली सर, हमारे लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ। मतलब आपने ओएमआर पे प्रैक्टिस की थी, प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व करके फिर वो ओएमआर पे ही आपने उनकी प्रैक्टिस की थी? जी सर, यहाँ तक कि जो यहाँ से सीरीज कराए जा रहे थे ऑनलाइन, मैंने उसको भी ओएमआर पे ही विजिट किया था। अरे वाह, मतलब आपने जो हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करा रहे थे तो उनके भी आप ओएमआर पे ही गोले भर के आंसर से अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। ये मेरे भाई ने कुछ अलग अपने लिए मतलब ट्राई किया है, जिससे मुझे भी लगता है आपको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो आपके साथी दोस्तों ने भी, किसी ने मतलब सर्कल में कितने लोगों ने दिया? सर हमारे सर्कल में लगभग 10 लोगों ने दिया था। जी 10 लोगों ने दिया था, तो कितने दोस्तों का क्लियर हुआ है? इसमें सर 2 लोग हैं जो सिर्फ पेपर फर्स्ट क्लियर हैं और बाकी कोई बाकी के नहीं। इस बार थोड़ा सा पेपर का टफ भी बता रहे थे और रिजल्ट भी कम बता रहे थे, तो आपको क्या लगता है उनकी तैयारी में और आपकी तैयारी में क्या डिफरेंस रहा था, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपको सब पता होगा? सर हम जहाँ तक कि सबका देख रहे थे, सब सिर्फ ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसा कि ऑफलाइन एग्जाम हो गया था तो जो जो या जिसने जिसने भी ऑफलाइन प्रैक्टिस किया था उनके लिए काफ़ी टाइम मैनेज कर पाए, मतलब मोस्टली बच्चे ऑनलाइन ही कर रहे थे। वो जो आपने हटके ऑनलाइन किया था, आपको लगता है उनसे आपको बहुत बड़ा फायदा मिला? जी सर। जी, मेरी तरफ से आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ममतेज सर, तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे। जी सर, मैंने जो भी तैयारी की सर उसमें आपका काफ़ी योगदान रहा सर, क्योंकि हिंदी मेरा इतना सर कमज़ोर था और आपने उस लेवल से, 0 लेवल से हीरो लेवल बनाने का सर काम किया है आपने सर। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत बहुत। आपके अग्रिम भविष्य की मैं शुभकामना करता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो बच्चे इस बार सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? हम सिर्फ यही राय देना चाहेंगे कि सर अगर वो ज्वाइन कर सकते हैं तो TRWA का जो इतनी सस्ती फीस में जो बैच लॉन्च किए गए हैं, बैच से तैयारी करें। यहाँ से जो भी थ्योरी कवर कराई जाती हैं वो निश्चित ही पूरे सीटेट में जितना भी क्वेश्चन बनता है इन्हीं सब थ्योरी के माध्यम से कवर हो जाता है। और बाकी सर ने निःशुल्क प्रैक्टिस कराया है, ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे कि उनके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। अच्छा, आप लोग भी जान गए होंगे कि विद्यार्थी के जो हैं 122 नंबर हैं और 122 नंबर सीटेट में लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो आपसे मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि आपने जो प्रैक्टिस की थी वो किस तरीके से की थी? सर मैंने प्रैक्टिस ऑनलाइन के माध्यम से भी किया था जो यहाँ से निःशुल्क चलाई गई थी, और मैंने प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर की बुक आती हैं जिसमें सारे पिछले ईयर के क्वेश्चन दिए गए रहते हैं उसको मैंने लिया और OMR शीट लिया और डेली मैं एक एक प्रैक्टिस सेट लगाता था। जैसा कि सीटेट में ये बहुत ही जेन्युइन है कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए
जो भी बच्चे अगर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर की तैयारी करें। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करना चाहिए, ये हमारी भी राय है। रंजीत वर्मा जी को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनकी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये पूरी तरह कोर्स पे ही डिपेंड ना होके, ऑनलाइन स्टडीज पे डिपेंड ना होके, प्रीवियस ईयर पेपर इन्होंने टीचर्स की बात को मानते हुए प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे और ओएमआर सीट पे प्रैक्टिस की थी, जिसका मुझे लगता है रंजीत जी को बहुत फ़ायदा मिला है। तो वही मेरी भी आप लोगों के लिए सलाह रहेगी कि आप लोग ज़रूर रंजीत भाई की बात को मानते हुए प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के लिए ज़रूर लगाएं और ओएमआर पे ऑफलाइन प्रैक्टिस करें। तो आप सभी का, रंजीत भाई को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।